गाइज, इस वीडियो में हम लोग डिकोडर के बारे में बात करेंगे। और डिकोडर इज़ अ लॉजिक सर्किट दैट एक्सेप्ट्स अ सेट ऑफ इनपुट्स दैट रिप्रेजेंट अ बाइनरी नंबर एंड एक्टिवेट्स दैट आउटपुट विच करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट बाइनरी नंबर। यानी कि डिकोडर क्या है? डिकोडर एक लॉजिक सर्किट है जो कि एक्सेप्ट करता है अ सेट ऑफ इनपुट्स दैट रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी नंबर और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट देता है। अ डिकोडर हैज़ एन इनपुट्स एंड एन एनेबल लाइन। डिकोडर में एन इनपुट्स हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं और एक एनेबल लाइन होता है। अनेबल लाइन को बहुत जगह आप देखेंगे सेलेक्ट लाइन भी कहा जाता है। और इसमें टू टू द पावर एन आउटपुट लाइन्स होते हैं। अगर एन इनपुट है तो टू टू द पावर एन आउटपुट इसमें होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हमारा ये डेफिनेशन जो और अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा, साथ में हमें समझ में आएगा कि डिकोडर करता क्या है। सो मान लीजिए कि ये एक डिकोडर है जिसमें कि हम लोगों ने ये पहला इनपुट हमारा है, ये हमारा दूसरा इनपुट है। तो n नंबर ऑफ इनपुट्स मैंने कहा था, इसमें कितने हैं? n इक्वल टू हमारा 2 है, ठीक है। इसमें हम लोग लिख देते हैं कि हमारा क्या क्या है। इसमें मान लीजिए कि हमारा ये i0 है, ये पहला इनपुट। तो पहला इनपुट हमारा क्या है? i0 है। और दूसरा इनपुट हमारा है i1, ठीक है। दो इनपुट से यानी कि n इक्वल कितना हो गया, मैं यहाँ लिखता हूँ n इक्वल हमारा है 2। एन इनपुट्स तो दो इनपुट, तो एन इक्वल 2। उसके बाद इसमें एक अनेबल लाइन होता है जिसे हम लोग सेलेक्ट लाइन भी कहते हैं। इसको आप ई लिख सकते हैं, यहाँ ई मतलब अनेबल लाइन, ठीक है। और इसमें आउटपुट होते हैं। आउटपुट कितने होंगे? आउटपुट होंगे 2 to the power n। यानी कि अगर n आपका 2 है तो 2 यानी कि 2 कितना हो जाएगा, आउटपुट कितना हो जाएगा? 2 to the power n, जिसमें कि n का वैल्यू आपका है 2। यानी कि 2 to the power 2 इक्वल हो जाएगा 4। यानी कि इसमें आउटपुट लाइंस जो होंगे वो होंगे नंबर 4, यानी कि 1 2 3 4। इसको भी हम लोग दे देते हैं कुछ नाम। इसको नाम देते हैं O0, O1, O2 और O3, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक डिकोडर है 2:4 का, या फिर 2x4 भी इसे कहा जाता है। तो 2x4 का हमारा एक डिकोडर है जिसमें कि दो इनपुट्स हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें 4 आउटपुट्स यहाँ मिल रहे हैं। और साथ में ये हमारा एक अनेबल लाइन भी है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है इस डिकोडर का। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन को समझने के लिए हमारे पास एक ट्रूथ टेबल होना चाहिए। तो ट्रूथ टेबल मैंने बनाया हुआ यहाँ आप देख पाएंगे। इसमें मैंने लिखा हुआ इनपुट i0 i1 यानी कि ये दोनों, और आउटपुट o0 o1 o2 o3 जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है o0 o1 o0 o1 o2 एंड o3। अब यहाँ आप डेफिनेशन में देखेंगे तो डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है कि जो सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं वह बाइनरी नंबर जो वो रिप्रेजेंट करते हैं क्या? बाइनरी नंबर, ठीक है। तब सबसे पहले आपको पॉसिबिलिटीज़ देख लेना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो दो इनपुट से, तो दो इनपुट की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0 0, हम लोग बाइनरी लिखना जानते हैं, 0 0 1 1, देन 0 1 0 1। जो लोग बाइनरी लिखना नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि बाइनरी कैसे लिखा जाता है। आपको यहाँ काउंट कर लेना है कि यहाँ वेरिएबल्स, इसको आपको एज ए वेरिएबल काउंट करना है कि यहाँ वेरिएबल कितने? दो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल या दूसरा वेरिएबल। तो 2 to the power वेरिएबल करना है, नंबर ऑफ वेरिएबल। ए मान लीजिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल जितना भी है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है हमारा यहाँ? 1 और 2 2 है। तो इसको आपको 2 to the power 2 करना है, और यहाँ जितना भी आएगा जैसे कि 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करना है। 4 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 2, तो इस 2 को लेकर चलना है। देन आपको 2 times 0 देन 2 times 1 लिखना है। फिर ये जब आपका ख़त्म हो जाता है, यहाँ इसके आगे आप नहीं जा सकते। ये ख़त्म होने के बाद 2 को फिर से 2 से डिवाइड करना है, अभी आ जाएगा 1। तो यहाँ आपको 1 times 0 1 time 1 1 time 0 1 time 1 करके इस तरीके से आप पॉसिबिलिटीज़ यानी कि बाइनरीज़ का निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप याद रखते हैं कि अगर 2 वेरिएबल है तो 0 0 लिखना है, 0 1 लिखना है, 1 0 लिखना है, 1 1 लिखना है, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन इस फॉर्मूले के थ्रू चलते हैं तो आपको भविष्य में अगर कभी ज़्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स मिलते हैं तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू उसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन याद आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि 5 वेरिएबल, अगर 5 इनपुट रहा तो 5 इनपुट का आपको पॉसिबिलिटीज इस तरीके से लिखने में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले के अनुसार, इस रूल के हिसाब से चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
ओके, सो ये तो थोड़ा सा सिलेबस से बाहर हो गया कि हम लोगों ने कैसे बाइनरी को देखा कि कैसे निकालते हैं। हम लोग बात करते हैं डिकोडर की, यहाँ फिर से वापस आते हैं डिकोडर के कॉन्सेप्ट में। और हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमारा इनपुट है, मान लीजिए कि ये इनपुट का मतलब क्या, देखिए I0 और I1 हम लोग देखने वाले इसमें ये हैं कि जब I0 यानी कि यहाँ I0 जब 0 हो और I1 जब 0 हो तो कौन सा आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ एक अनेबल लाइन भी है। अब अनेबल लाइन क्या करता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि अनेबल लाइन क्या करता है। अनेबल लाइन को आप समझिए कि ये इस डिकोडर का एक स्विच है जो कि इसको ऑन और ऑफ करता है। ठीक है, तो अनेबल का मतलब है कि मान लीजिए कि ये अनेबल है, अनेबल है मतलब मान लीजिए कि ये ऑन है, ऑन है मतलब यहाँ ई जो है हमेशा 1 है। ठीक है, तो जब ई, देखिए ई दो कंडीशन हो सकता है, या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। ऑन होगा तो 1 1 1 1 ही आपको मिलेगा, अगर ऑफ होगा तो 0 मिलेगा। तो अगर हम ई की वैल्यू को अगर यहाँ ऐड कर दें, जो कि मैंने नहीं किया है, इसलिए इसका लिखना लिखना इसका ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अगर आप अनेबल को लेकर चलें इस तरीके से, और एक कॉलम यहाँ अगर आप, सॉरी एक रो अगर यहाँ आप और बढ़ा दें, तो अगर आप इसे देखें कि अगर आप यहाँ 0 लिखते हैं, जब भी ई 0 होगा, यहाँ लिखा क्यों नहीं जाता है ये जान लीजिए कि जब भी ई 0 होगा तो आउटपुट हमेशा आपको नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि 0 ही मिलेगा जब भी ई 0, यानी कि ये जब ऑफ रहता है तो आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ई यहाँ लिखते हैं और यहाँ नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लोग मान कर चलते हैं कि ई हमारा जो है इन सभी कंडीशन में यहाँ 1 है। क्योंकि इन सभी कंडीशन में अगर आप ई को ऑफ रखते हैं, यानी कि इस अनेबल लाइन को अगर आप ऑफ रखते हैं, यानी कि आप 0 0 0 0 रखते हैं, तो आउटपुट में आपको 0 0 0 ही मिलेगा। सिर्फ चेंज आउटपुट में तब आपको देखने को मिलेगा जब अनेबल लाइन जो है, यानी कि ये जो स्विच है, ये ऑन रहेगा, यानी कि 1 1 1 1 रहेगा। 1 जब अनेबल लाइन 1 हो और इनपुट 0 0 हो तो क्या आउटपुट आएगा, ये देखने वाली बात है। जब अनेबल लाइन 1 हो यानी कि अनेबल लाइन ऑन हो और इनपुट 0 1 हो, तब क्या आउटपुट आएगा, ये देखने वाली बात होती है। और अनेबल लाइन जब 1 हो और इनपुट 1 0 हो, तब आउटपुट क्या आएगा, ये देखने वाली चीज़ होती है। और अनेबल लाइन जब 1 हो यानी कि ऑन हो और इनपुट 1 1 हो, तो क्या आउटपुट आएगा, वो देखने वाली चीज़ होती है। लेकिन 0 जब होता है, यानी कि ई अनेबल लाइन, जो अनेबल लाइन जब 0 होता है, यानी कि ये स्विच जब ऑफ होता है, तो सभी केसेस में यहाँ, चाहे यहाँ अनेबल 0 हो और फिर इनपुट 0 0 आप दें तो वो भी 0 आएगा, यहाँ 0 हो फिर 0 1 हो तो भी 0 आएगा, यहाँ 0 हो यानी कि अनेबल की बात करें, यहाँ अनेबल 0 हो और इनपुट आप 1 0 दें, फिर भी आपको 0 ही मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ ई को नहीं लिखा जाता है। और हम लोग ये मानकर चलते हैं, जब भी हम लोग अनेबल यहाँ लिखते हैं, तो हम लोग मानकर चलते हैं कि अनेबल हमारा यहाँ 1 है, और 1 के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग इस इनपुट को ले रहे हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ आउटपुट देखने वाले हैं। ठीक है, तो ई का मतलब पता चल गया। अभी हम लोग बात करते हैं इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग इसके आउटपुट की, यानी कि कौन सा आउटपुट आएगा। तो जब I0, याद रखिएगा अनेबल हमारा सभी यहाँ सभी में 1 1 है, यानी कि स्विच हमारा ऑन है। E1 है यानी कि E अनेबल लाइन जो हमारा ऑन है, और जब आप 0 और 0 इनपुट करते हैं, यानी कि यहाँ जब आपका इनपुट जो हो 0 0 होता है, तो आपका आउटपुट आएगा O0, यानी कि ये आपका आउटपुट आएगा, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 0 और यहाँ 0। जब अनेबल 1 हो यानी कि अनेबल आपका ऑन हो और इनपुट आपका 0 1 होता है, यानी कि I0 0 और I1 1 होता है, उस केस में आपको जो आउटपुट होगा वो O1 आएगा, यानी कि ये आएगा, बाकी ये 0 0 यहाँ लिखना है। उसी तरीके से जब अनेबल लाइन ऑन हो यानी कि 1 हो और आपका इनपुट जो है वो 1 0 हो, यानी कि I0 में 1 हो और I1 में 0 हो, तो उस केस में आपका जो आउटपुट है वो O2 आएगा, यानी कि यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। फिर अनेबल जब 1 हो यानी कि ऑन हो और उसके उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ इनपुट 1 1 देते हैं, यानी कि I0 भी 1 और I1 भी 1, तो उस केस में आपका जो आउटपुट है वो O3 आएगा, बाकी सब में 0। कहने का मतलब ये है कि जब आपका ये स्विच हर केसेस में, मान लीजिए कि ये एक स्विच है, तो ये स्विच हर केस में ऑन है, यानी कि यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 है, तो
तो इसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रख लेना है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, यानी कि स्विच हमेशा हमारा ऑन है तभी हमें आउटपुट मिलेगा। अब इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट मिलेगा वो देखने वाली बात होती है। तो जब आप 0-0 इनपुट देते हैं, जब आप 0-0 इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट में O0 मिलेगा। जब आप इनपुट में 0-1 देंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट O1 मिलेगा। जब आप इनपुट में 1-0 देंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट O2 मिलेगा। और जब इनपुट आप 1-1 देंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट O3 मिलेगा। ठीक है, अब ये तो थी समझने वाली बात, हम लोग समझ चुके हैं कि ये किस तरीके से इसका ये किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ गए हैं। इसको याद कैसे रखें, क्योंकि हमें बहुत सारे सर्किट पढ़ने पड़ते हैं, अभी हम लोग आगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम भी कुछ मायने रखता है क्लियर करना, चाहे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो। तो एग्ज़ाम में कैसे इसको याद रखेंगे उस चीज़ को देख लेते हैं, एक ट्रिक देख लेते हैं कि क्या ट्रिक है जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। एक तो आपको ये तो है डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन तो आपको याद करना पड़ेगा चाहे आप जैसे भी याद करें। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको याद रखना ये है कि ये आपका डिकोडर है, तो अगर 2 इनपुट है तो 2 to the power n, जिसमें कि n क्या है नंबर ऑफ इनपुट से, तो उतना यहाँ आउटपुट होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसमें हमेशा एक अनेबल लाइन होता है जिसको हम लोग हमेशा 1 मानकर चलते हैं जब भी हम लोग इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तब। अब यहाँ आपको क्या करना है कि ये पॉसिबिलिटीज़ इस फॉर्मूले के अनुसार आप निकाल लीजिए। पॉसिबिलिटीज़ निकालने के बाद यहाँ आप ये सारी चीज़ लिख लीजिएगा, I0, I1, O0, O1, O2, O3। पॉसिबिलिटीज़ निकालने के बाद आप डायगोनल इसको 1 लिख दीजिए, 1 1 1 1, और बाकी सब में 0 बैठा दीजिए। बस आपका ये ट्रूथ टेबल तैयार है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं कि कहाँ 1 कहाँ 0। आपको सिंपली करना ये है कि यहाँ पॉसिबिलिटीज़ लिख देना है इस फॉर्मूले के अनुसार। ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना है इनपुट का वैल्यू, देन आउटपुट वाले एरिया में आपको डायगोनल तरीके से 1 1 1 लिखना है, यानी कि इस तरीके से आपको 1 1 लिख देना है, और बाकी सभी बॉक्सेस में आपको 0 फिल करना है। तो ये आपका ट्रूथ टेबल डिकोडर के लिए बन जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में डायगोनल ही बनता है, चाहे वह कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको 2x4 का डिकोडर ना देकर आपको 3x8 का डिकोडर दे सकता है, या फिर और भी डिकोडर दे सकता है, लेकिन हर केसेस में, लगभग हर केसेस में आपका जो आउटपुट आएगा वो डायगोनल इस तरीके से ही आएगा। हम लोग एक 3x8 का अभी देख लेंगे कुछ देर में, मतलब मे बी नेक्स्ट वीडियो में कैसे बनाते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो डायगोनल ही आप देखेंगे, उसमें भी देखेंगे कि इसका भी ट्रूथ टेबल जो है वो डायगोनल ही, आउटपुट का जो एरिया है वो डायगोनल ही बनेगा। ओके, सो ये ट्रिक है याद करने का, मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद कर पाएंगे। ओके, सो इतने से हमारा काम नहीं होता है, मे बी एग्ज़ाम में आपको इसका लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो उसको भी हम लोग अभी देखेंगे, और साथ में आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको आप लॉजिक डायग्राम में देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको क्लियरली और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से इसमें आप इनपुट कर रहे हैं और वो आउटपुट आपका आ रहा है। इससे पहले कि हम लोग लॉजिक डायग्राम में जाएं, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये क्या, ये एक डिकोडर है। डिकोडर का मतलब क्या होता है सिंपली जनरल भाषा में, कि ये कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि कोडेड की होंगी, इनकोडेड होंगी, जिसको ये डिकोड करने का काम करता है। तो यहाँ जो भी डेटा आ रहा होगा, हो सकता है, ऐसा इमेजिन आपको करना कि हो सकता है कि यहाँ जो भी डेटा आ रहा है इनपुट के तौर पर, हो सकता है कि ये इनकोडेड हो, जिसको हम लोग यहाँ इस डिकोडर की सहायता से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये डिकोडर इसको डिकोड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है इनपुट, हो सकता है ये किसी इनकोडर से आ सकता है, अभी हम लोग आगे इनकोडर भी पढ़ेंगे। ओके, सो बस ये एक दो पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक इनकोडर हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, इसमें कुछ आउटपुट्स होंगी, मे बी कुछ भी आउटपुट्स होंगी, मैं यहाँ एग्जैक्टली आपको बता नहीं रहा हूँ। ये एक इसका ये आउटपुट होगा जो कि आप ये कुछ देखिए, ये क्या है, ये जो हम लोग लिखते हैं यहाँ, ये क्या इनपुट का क्या मतलब है आपको पता है, यहाँ इनपुट आप दे रहे हैं कुछ बाइनरी है, बाइनरी का मतलब कुछ बिट्स हैं, कुछ बिट इन्फॉर्मेशन है, जिस बिट इन्फॉर्मेशन को आप डिकोड कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी कुछ बिट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि 1 2 3 4, इस तरीके से ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, जिस इन्फॉर्मेशन को बिट इन्फॉर्मेशन है, जिस इन्फॉर्मेशन को इस इनकोडर की सहायता से इनकोड किया गया है, और ये इनकोड
करने के बाद यहाँ अपना आउटपुट देता है। अब इस इनकोड को यानी कि जो भी डेटा इनकोड किया गया उस इन डेटा को आपको डिकोड करना पड़ेगा डिकोडर से, और यहाँ आपको उसका डेटा मिलेगा जो भी डेटा होगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने ये पार्ट पढ़ा है डिकोडर का, लेकिन अभी इनकोडर का हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ओके सो गाइज, हम लोग अपने टॉपिक से भटकते नहीं हैं, डिकोडर पढ़ रहे तो डिकोडर में ही रहते हैं और देखते हैं इसका लॉजिक डायग्राम। सो लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए हमें इसके ट्रूथ टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। सो ट्रूथ टेबल मैंने यहाँ सामने रखा हुआ है, आप भी इसको रखेंगे जब भी आप बनाते हैं तब। लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे पास कि हमें क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता है। तो यहाँ ये वेरिएबल्स है, मान लीजिए जैसे कि हम लोग बनाते थे के मैप में लॉजिक डायग्राम, तो उसके अनुसार ये वेरिएबल है यानी कि i0 और i1। तो सबसे पहले तो हमें i0 और i1, होपफुल इतने जगह में आ जाएगा हमारा i1, इससे क्या करना है कि दो स्ट्रेट लाइंस ले लेने हैं। अब ये स्ट्रेट होना चाहिए, आपको वहाँ एग्ज़ाम में पेंसिल से बनाना है, ठीक है, मेरे जैसे ऐसे नहीं बनाना। ठीक है, ये i0 और i1 आपने ले लिया। अब यहाँ आपको नेगेटिव भी लेना है, यानी कि आपका कॉम्प्लीमेंट भी आपको लेना है, यानी कि नॉट गेट आपको यहाँ लेना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका नॉट, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी इसका आपको एक नॉट पास करना। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा i0 नॉट, उसी तरीके से i1 नॉट। अब इसमें हम लोग इनपुट को देखेंगे और देखेंगे कि आउटपुट उसके क्रस्पॉन्डिंग क्या क्या आता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है हम लोगों ने लिखा हुआ है पहला, ये हमारा ये क्या है i0, ये कॉम्प्लीमेंट में एक्चुअली 0 है तो कॉम्प्लीमेंट वाला लेंगे, तो i0 का कॉम्प्लीमेंट ये लिया हम लोगों ने, और i1 में भी 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट वाला ये ले लिया हम लोगों ने, इसको एंड गेट से पास कर देंगे। तो एंड गेट से जब पास करेंगे हम लोग तो क्या होगा इस केस में, यानी कि जब आप 0 0 होता है तो आउटपुट क्या आता है आपका, आपका आउटपुट जो आएगा वो होगा O0। ठीक है, उसी तरीके से जब 0 1 होगा यानी कि इस केस में यानी कि 0 1 0 का मतलब i0 जो है वो कॉम्प्लीमेंट वाला आएगा नॉट वाला, और i1 जो है वो आएगा ये सिंपली ये जनरल वाला, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसको एंड गेट से पास करते हैं। और यहाँ आपको आउटपुट मिल जाएगा, ये एंड गेट है, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से बनाना है। यहाँ आपको आउटपुट मिल जाएगा O1 का। अब इस चीज़ को देखें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो i0 है वो एक्चुअली में है 1, तो यहाँ से 1 आ गया, और i1 जो है वो 0 यानी कि कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा नॉट गेट वाला आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरीके से एंड गेट में लिख देते हैं। तो इस ये क्या हमें आउटपुट देगा, ये हमें आउटपुट देगा O2। उसी तरीके से ये लास्ट ये क्या है, ये 1 से है यानी कि यहाँ से, और ये भी 1 से है यानी कि यहाँ से। तो इस केस में जब इस तरीके का जब आपको केस देखने को मिलेगा जिसमें कि 1 1 हो, यानी कि इनपुट i0 और i1 दोनों ही 1 1 हो, तो उस केस में आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा O3। तो ये इसका लॉजिक डायग्राम बन गया। ठीक है, सो बस इसी को हम लोगों ने ये जो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ हम लोगों ने ये लॉजिक डायग्राम बनाया। तो आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इस लॉजिक डायग्राम को याद करने की कोशिश करते हैं, तो याद आप ये ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझना है और देखना है कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है ये, अगर आप ये बना लेते हैं तो इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है कि ये कैसे बनाया है, और इसको हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से बनाना है। हम लोग इसको वेरिएबल मानकर चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम लोग पॉसिबिलिटीज़ लिख लेते हैं। पॉसिबिलिटीज लिखने के बाद आउटपुट वाले एरिया में हम लोग क्या करते हैं कि डायगनल तरीके से 1 1 1 फिल कर देते हैं और बाकी सब में 0 फिल कर देते हैं। तो ये आसान तरीका है इस चीज़ को याद रखने का, डिकोडर के ट्रूथ टेबल को। ठीक है, तो याद करने की रटने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ इस लॉजिक डायग्राम को बना लेते हैं। ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, और ये आपका 0 है, और ये आपका 0 है। यह मैंने ऐसे बस लिख दिया, आपको ये लिखना नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पहले वाले में 0 0 था, तो हम लोगों ने i0 का 0 लिया और i1 का 0 लिया, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से 0 लिया गया है और यहाँ से i1 के लिए 0 लिया गया है। बाकी सब वैसे ही देख कर, यानी कि जहाँ 0 है जहाँ 0 1 है वहाँ 0 1 लिया गया है, जहाँ 1 0 वहाँ 1 0 लिया गया है, और जहाँ 1 1 है वहाँ 1 1 कर लिया गया है। और इस तरीके से आप लॉजिक डायग्राम बना लेते हैं इस डिकोडर का, जो कि हमारा है 2x4 का
डिकोडर। ओके सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिकोडर टॉपिक समझ में आया होगा। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग।